अगर आप बिहार में मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम जोर शोर से चल रहा है। ताजा अपडेट ये है कि मेट्रो के एलिवेटेड रूट में आने वाली बिजली के सभी तार भूमिगत किए जाएंगे। कॉरिडोर 2 के प्रायोरिटी रूट राजेंद्र नगर से बैरिया स्थित पाटलिपुत्र ISBT तक तार को भूमिगत करने का काम शुरू भी हो गया है। बिजली कंपनी से NOC मिलने के बाद पटना मेट्रो अपने स्तर से खुद यह काम कर रहा है। इस रूट में पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर तक 7 मेट्रो स्टेशन भूमिगत होंगे। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के बाद ही मेट्रो धीरे धीरे एलिवेटेड होगी। इसके लिए पिलर निर्माण का काम काफी पहले शुरू हो चुका है, जो अब आकार भी लेने लगा है। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के पहले चरण में मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र ISBT तक 6.6 किलोमीटर का एलिवेटेड रूट सबसे पहले शुरू करने का लक्ष्य है। इस रूट में मेट्रो के 5 स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT होंगे। इसके अलावा कॉरिडोर 1 में दानापुर से पाटलिपुत्र स्टेशन तक बनने वाले एलिवेटेड रूट के लिए भी बिजली के तार हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके लिए बिजली कंपनी से NOC ली जा रही है। 0 माइल के पास पटना गया हाईवे से गुजरने वाले पटना मेट्रो के लिए एलिवेटेड ट्रैक के लिए भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से NOC मिल गई है। यहाँ 0 माइल से ISBT डिपो तक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे मेट्रो गुजरेगी। फिलहाल पटना मेट्रो के लिए एलिवेटेड रूट पर ही काम शुरू हुआ है। भूमिगत मेट्रो स्टेशन का काम भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। ISBT डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण की बाधा दूर होते ही जायका से लोन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार जायका से लोन के लिए पटना मेट्रो के पास न्यूनतम 1000 का एसेट यानी संपत्ति होनी जरूरी थी। जमीन अधिग्रहण होते ही जायका से लोन मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद भूमिगत स्टेशनों का भी काम शुरू होगा। पटना मेट्रो के दोनों कॉरिडोर मिलाकर 26 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें 13 स्टेशन भूमिगत जबकि 13 स्टेशन एलिवेटेड है।